जाम्यो छे। आपने दृश्य बतावा मांगीश के अत्यारे कालुपुर खाते थी जे भजन मंडळीओ छे ते अहींयाथी पसार थई रही छे। प्रथम हाथीनी सवारी अहींयाथी पसार थई, त्यारबाद विविध जे टेबलो हता, विविध जे प्रदर्शनो हता ए पण अहींयाथी पसार थया। एना बाद विविध जे अखाड़ा छे अमदावाद अने गुजरात सहितना जे विविध अखाड़ा छे एमने विविध विविध अखाड़ा अहींयाथी पसार थया। अने हवे अहींया जे भजन मंडळीओ छे के अमदावादनी विविध विस्तारोनी जे भजन मंडळी छे ए पण अहींयाथी पसार थई रही छे। आम आ रथयात्रानुं अनोखुं आकर्षण अत्यारे अहींया कालुपुर खाते जोवा मळी रह्युं छे। मोटी संख्यामां जे दर्शनार्थीओ छे ते अहींया पहोंच्या छे अने रथनी राह जोई रह्या छे। भगवान जगन्नाथना जे रथनी राह जोई रह्या छे। थोड़ी क्षणोनी अंदर जे रथ छे ए पण कालुपुर खाते पहोंचशे, परंतु हालनुं जे कालुपुर खातेनुं जे आकर्षण छे ए आ विविध भजन मंडळी छे, आ विविध जे बेन्ड छे तेनुं आकर्षण अत्यारे अहींया जोवा मळी रह्युं छे। आप दृश्यमां जोई रह्यो छो कि अत्यारे आ भगवान जगन्नाथनी 145મી आ रथयात्रा छे। कोरोना काळना कारणे रथयात्रा निकळी न हती। गत वर्षे जे रथयात्रा निकळी हती ए प्रोटोकॉल साथे अने कर्फ्यू लादवामां आव्युं हतुं अने रथयात्रा काढवामां आवी हती जेमां आम जनता भाग लई शकी न हती, परंतु हवे कोरोना काळ बाद आजे रथयात्रा निकळी छे जेमां जे आम जनता पण आ रथयात्रामां भाग लई रही छे। मोटी संख्यामां रथयात्रामां जे नगरजनो छे ए जोड़ाया छे। अने खास करीने वात करीए तो जे रथयात्राना जे विविध आकर्षणो छे एने पण अत्यारे लोको माणी रह्या छे। गुजरात भरमांथी लोको आ रथयात्रा जोवा माटे अमदावाद आवता होय छे अने अमदावादना इतिहास साथे पण आ रथयात्रा जोड़ायेली छे। एक मोटो पर्व अमदावाद अने गुजरातनो अमदावाद माटेनो आ एक मोटो पर्व मानवामां आवे छे। आ रथयात्रानो धार्मिक अने ऐतिहासिक महत्व छे अने एनी साथे लोकोनी लागणीओ पण जोड़ायेली छे। एटले के रथयात्रा पर्व होय एटले लोकोमां अनेरो उत्साह पण जोवा मळतो होय छे। आप दृश्यमां जोई रह्यो छो के विविध भक्तोनी जे मंडळीओ छे ते अहींयाथी हाल पसार थई रही छे। विविध भजनोनो नाद पण अहींया જોવા મળી રહ્યો છે। ઢોલ નગારાનો નાદ પણ અહીંયા સંભળાઈ રહ્યો છે અને અનેરો ઉત્સાહ પણ અત્યારે નગરજનોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। મહત્વની વાત છે કે જે રથયાત્રા છે એનું ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક મહત્વ પણ છે અને એના લીધે લોકો આ રથયાત્રામાં જોડાય છે અને આમ જનતા પણ આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે એ રથની રાહ જોઈ રહ્યા છે। ટૂંક જ સમયની અંદર જે ભગવાન જગન્નાથનો જે રથ છે એ કાલુપુર વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરશે જી।